नमस्कार। चलिए आज हम पुआ बनाएंगे। पुआ कैसे बनता है तो आप लोग साथ शेयर करेंगे। होली पे हमारे इधर पुआ बनता है, तो पुआ कैसे बनता है वो आप लोग साथ शेयर करते हैं। ये कटोरा मैंने सूजी लिया है, मोटा हो या पतला हो या बारीक वाला कोई भी हो। ये चीनी एक कटोरा लिया है मैंने, मैदा भी इसमें एक कटोरा डाल देते हैं। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। इसको रात में हम भिगो के रखेंगे तो सुबह बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया गुजिया पुआ बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फेंट लेते हैं और फेंट के हम छोड़ देंगे रात भर के लिए। अच्छी तरीके से ये फूल जाएगा, बहुत ईजी और बहुत टेस्टी लगता है पुआ खाने में। ये बिहार का फेमस पुआ है। अभी पतला लग रहा है बैटर, जब सूजी ये फूलेगा ना चीनी ये सब, तब ये बैटर गाढ़ा हो जाएगा। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और अच्छे से हम इसको फेंट लेते हैं। देखिए फूलने लगा है और सुबह तक ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं जिससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहे तो दूध से भी इसको घोल बना सकते हैं, सिर्फ दूध से भी बहुत टेस्टी भी लगता है दूध से भी, लेकिन मेरे पास दूध अभी नहीं है तो मैं पानी से ही इसको बैटर को बना ले रही हूँ। अब इसे बैटर को फेंट लिया है, अब इसको ढक के छोड़ देते हैं और सुबह तक देखिएगा फूल कर एकदम इतना बढ़िया और इतना सुंदर पुआ बनकर तैयार होगा। क्या बिलो कर पुआ रख दिया था, तो देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया गाढ़ा हो चुका है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, पुआ को बनाएंगे। अब गरम हो रहा है, कल तला था वही तेल बचा हुआ था तो तेल हमारा गरम हो चुका है। गाढ़ा ज़्यादा है तो दूध डाल के इसको फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से। इसको अच्छे से फेंट लेते, ज़्यादा ही गाढ़ा है। सही हो गया, अब इसको उठाएंगे और तेल में डालेंगे। अब देखते हैं कैसा होता है। ये पुआ बनकर कैसा तैयार होता है, फूल रहा है देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से हम तेल के सहारे इसके ऊपर डालेंगे तो और फूले फूले पुआ बनकर तैयार होगा। अब दूसरी तरफ से हम पलट देते हैं। इसी तरीके से सारे पुए हम बना लेंगे। हमारा बनकर तैयार हो गया है, कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप इस तरह पुआ बनाइए, हैप्पी होली, सबको एंजॉय करिए।